हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक हाल चाल? तो आज की हमारी लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेसेस की। वेक्टर स्पेस पढ़ लिया हमने, वेक्टर स्पेस का सबस्पेस क्या होता है ये भी पढ़ लिया, कुछ बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल्स देखे जिसमें मज़ा भी आया होगा और थोड़ा सा दिमाग भी लगा होगा। अब आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ वेक्टर स्पेसेस की, फिर अगली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब स्पेसेस देखेंगे और इसी तरीके से आगे चलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पर। तो देखते हैं, तो आज की वीडियो का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो वेक्टर स्पेसेस के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज जो हम स्पेशली वेक्टर स्पेसेस के बारे में कुछ जानने वाले हैं वो वही टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में बार बार नज़र आते होंगे, डायमेंशन और बेसिस, ये सब आपको क्वेश्चंस में नज़र आता होगा जो भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है। तो आज इन्हीं क्या कहते हैं अनजान टर्म्स से थोड़ी सी दोस्ती करते हैं, इनको जान पहचान बढ़ाते हैं इनसे, ठीक है। तो इनको जानने के लिए सबसे पहले जो हमें जानना होगा वो जानना होगा कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, ठीक है, और उसी से हम डायमेंशन और सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। तो कौन से वेक्टर स्पेसेस को हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस कहते हैं? एक वेक्टर स्पेस को हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, तब कहते हैं जब हमें कोई ऐसा सेट ए मिल जाए जो कि उसका सबसेट हो, यानी कि वेक्टर स्पेस का एक सबसेट हमें मिल जाए जो नॉन एम्प्टी हो और फाइनाइट भी हो, और उसको सिर्फ उसके हेल्प से हम पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकें, यानी कि उसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकें, ठीक है, वो उसका लीनियर स्पैन हो बेसिकली। तो इसका मतलब देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस है, कौन सा वेक्टर स्पेस है जिसमें टू टपल्स आते हैं? ये वी हमारा क्या है, टू टपल्स वाला, क्या ये आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ टपल्स यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स, और हमारी फील्ड क्या है, रियल नंबर्स वाली। तो ये जाना पहचाना वेक्टर स्पेस है, टू टपल्स वाला, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसकी डायमेंशन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। अब डायमेंशन मतलब अगर हमें इन टपल्स में कोई ऐसा वी का ही कोई सबसेट मिल जाए, कोई ऐसा सबसेट मिल जाए जिसके हेल्प से हम पूरा आर स्क्वायर बना सकें, पूरा का पूरा। अब आर स्क्वायर की कार्डिनैलिटी कितनी है, कितने एलिमेंट्स आते हैं इसमें, इनफिनाइट, इनफैक्ट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं। तो क्या कोई ऐसा हमें सबसेट मिलेगा जो पूरा आर स्क्वायर बना सकता है? तो आपने ये एलिमेंट्स देखे 0,1 and 1,0, ये बहुत ही मस्त एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम इसका इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं जहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ से आ रहे हैं, आर से, तब देखो कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से हम पूरा का पूरा आर स्क्वायर बना सकते हैं। ट्राई करते हैं, आपको ये नंबर दो हम वो बनाते हैं। सपोज़ आपने नंबर चूज़ करा 2,-1, हमें ये बेसिकली नंबर नहीं है हमारे पे, ये टपल है, तो हमें ये टपल बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप? तो आपको यहाँ पे 2 चाहिए, तो इस पार्ट के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1,0 - 1 × 0,1, और आप देखोगे इससे हमारे पास बिल्कुल यही बन के आ जाएगा। अब देखोगे इसी तरीके से कोई और नंबर चूज़ करो, सपोज़ हमने चूज़ करा 3,5, तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 1,0 + 5 × 0,1, जहाँ पे ये जो 5 और 3 है वो दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये 2 और -1 थे ये दोनों क्या थे, रियल नंबर्स थे, ठीक है। कोई और बना के देखो, सपोज़ आपने टपल बना लिया 2,0.1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2×0.1×0,1, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो आप देख रहे हो ऐसे हम किसी भी ऑर्डर पेयर को इस फॉर्म में, इस लीनियर कॉम्बिनेशन में चेंज कर सकते हैं, और आप देखोगे कि इन दोनों के स्पैन में पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आ जाने वाला है। यानी कि दो हमारे पास ऐसे वेक्टर्स मिल गए हैं, कौन कौन से, ये दो वेक्टर्स मिल गए सच दैट अगर हम इनका लीनियर स्पैन बनाएं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते जाएँ, तो इसके लीनियर स्पैन में पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस ही बन जाने वाला है, और हमारा वेक्टर स्पेस क्या था, आर स्क्वायर ओवर आर। अब सिर्फ ए में कितने एलिमेंट्स है, 2, तो जितने एलिमेंट्स उस सेट में हैं जो कि वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है उसी को हम कह रहे थे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर इज़ 2,
क्योंकि जो सेट इसको जनरेट कर रहा है उसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, टू है, उसमें दो एलिमेंट्स हैं यानी, और इस सेट को हम क्या कह रहे हैं, बेसिस कह रहे हैं, क्योंकि ये सेट इसको जनरेट कर रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि एक पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकें उसे हम बेसिस कह सकते हैं। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए तो अब हम डिफाइन करते हैं सब कुछ, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन और बेसिस और डायमेंशन क्या होता है उसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं और फिर और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने वो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल ऐसे दिया था कि आपको पता लगे कि आज हम जितने भी डेफिनेशन सीखने वाले हैं वो बेसिकली हमें बेसिस और डायमेंशंस क्या होता है, ये वेक्टर स्पेस की कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वहाँ तक लेकर जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वी अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ सच दैट हमने उसके ये एन वेक्टर्स उठा लिए वी वन वी टू वी थ्री अप टिल वी एन, तो फिर हम कहते हैं कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किस चीज़ को कहते हैं, इस टाइप का जो सम हो जहाँ पे हम वी वन को किसी नए स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वी टू को किसी स्केलर से, सो ऑन, वी एन को किसी स्केलर से, और ये स्केलर्स कहाँ से आ रहे हो, फील्ड से, और ये वेक्टर्स वही हैं जो हमने चूज़ करे। तो हमने जो वेक्टर्स चूज़ करे हैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, और ऐसा ही करते जाओ, और इस पूरे को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है कौन से वेक्टर्स का, मैं आपको कुछ वेक्टर्स दे देती हूँ, 3, 0, 1 एंड 5, 6, -1, और ये वेक्टर्स कहाँ के हैं, R³/R। आपको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब क्या है, आपको कुछ स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा से सपोज हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सम कर लें, इसको ऐड कर देना है, सम करना है किसके साथ, एक और स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करो 5, -6, -1 को, और ये बन गया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से हमने बनाया है जहाँ पे अल्फा और बीटा कहाँ से आ रहे हो, रियल नंबर से आ रहे हो। अब जैसे अल्फा की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 1 और बीटा की वैल्यू ले लूँ -1, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, 0, 1 × 1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दो 5, -6, -1 को, एंड दिस विल कम आउट टू बी 3, 0, 1 + -5, -6 and 1। अब इसे टपल के रूल से ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, -2, कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन हो जाएगी -6 and 2, और ये हमारे पास आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। पर यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वो सारी वैल्यूज ले सकते हैं जो रियल नंबर्स में हैं, तो अकेले एक ही वैल्यू में लेके देखी और भी हम सारी वैल्यूज लेके देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को देखा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आपको क्या होता है, ठीक है। अब अगली चीज़, लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, वो कैसे, सपोज हमारे पास ये वाले सारे वेक्टर्स हैं v1 v2 / vn तक, ठीक है। तो अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन हमने इसका बनाया है α1 v1, α2 v2, α3 v3, α n vn तक हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन का बना लिया है जहाँ पे सारे अल्फा ही कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से, और सारे vi क्या हैं, वेक्टर्स हैं। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो पुट करते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब हमने इस लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो पुट करा, अगर ऐसा करने से हमारे पास अल्फा की वैल्यूज़ क्या क्या आई, हमें अब उस पर ध्यान देना है। तो अगर हमारे पास अल्फा आई, सारे के सारे ज़ीरो ना आए, इफ़ नॉट ऑल अल्फा आईज आर ज़ीरो, यानी कि एटलीस्ट एक ऐसा अल्फा हो जो ज़ीरो ना हो, दैट इज़ एटलीस्ट 1 α i इज नॉन ज़ीरो, तब हम कह रहे हैं कि ये जो ये वाला गिवन हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, दैट ऑल दीज वी आईज v1 v2 up till vn आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसी की हेल्प से लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से गिवन है α1 v1 + α2 v2 α1 αn vn तक, और हम उसको ज़ीरो पुट करें, और ऐसा करने से हमारे पास सभी अल्फा आई की वैल्यू ज़ीरो आए, फॉर ऑल आईज, सभी आई के लिए, कोई भी आई रहना जाए, इसका मतलब पक्की की पक्की बात है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते।
अभी बात आपको अभी समझ नहीं आई होगी, एग्जाम्पल के तरीके से इस बात को पक्का करते हैं, ठीक है। अब लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ना आपको सीधे तरीके से समझना है कि एक मल्टीपल होना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1, -1, 0 एक वेक्टर है हमारे पास v1, और v2 वेक्टर हमारे पास है 11, -11, 0, तो आपको इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। हमें दिख रहा है कि अगर हम v1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास v2 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने देखा कि ये जो है ये इसका बेसिकली अगर एक स्केलर से लीनियर प्रोडक्ट कर दें तो उसका प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि एक लीनियर प्रोडक्ट है। अब देखो आप इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 11v1 -v2 = 0, यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही बन गया, ये ज़ीरो बन रहा है इस तरीके से कि हमारे पास जो स्केलर्स आएँ, यहाँ पे इसको α1 ले लो ये, और यहाँ पे α1 11 आ गया, और α2 हमारे पास आ गया -1, और आप देखोगे कि ये दोनों ज़ीरो नहीं है। तो हमें एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिस जो दोनों ज़ीरो, अल्फा दोनों स्केलर ज़ीरो ना हो, पर फिर भी इनका जो फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू है वो ज़ीरो आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। वैसे भी पता चल रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है, कोई लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये हमें मिल पा रहा है आराम से। 11 से मल्टीप्लाई करो ये हमारे पास आ रहा है आसानी से। तो इससे हमें पता चलता है कि v1 एंड v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। कोई और एग्जांपल लेके देख लो। सपोज आपने ले लिया 1, 0, 0, इन तीनों के बारे में क्या कहना है? क्या ये तीनों एक दूसरे का वो लीनियर प्रोडक्ट आ रहे हैं? मतलब किसी स्केलर से मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँ सपोज α1 से, तो क्या मेरे को ये मिल पाएगा या फिर ये मिल पाएगा, या फिर इसको α2 से मल्टीप्लाई करके या इसको α3 से मल्टीप्लाई करके कुछ बन पाएगी बात? तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। α1 × 1, 0, 0 α2 × 0, 1, 0 α3 × 0, 0, 1 = 0 पुट करके देखते हैं अपनी मर्जी से। अब अल्फा आई की वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। चलो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास α1, α2, α3 = 0। अब यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? 0 वेक्टर, 0 वेक्टर मतलब ये वाली बात। तो ये बेसिकली 0 वेक्टर था, यहाँ पे 0 वेक्टर ये होता है। और ये 0 कब होंगे? जब दोनों टपल्स बराबर हों। इसका मतलब α1 = α2 = α3 = 0। तो अगर तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी ज़ीरो होगा जब तीनों स्केलर्स ज़ीरो हों, तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमें देखने से ही पता चल रहा है, हमें कोई ऐसी मिल ही नहीं रही थी वैल्यू जिसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, मिल नहीं रही थी ना कोई ऐसी वैल्यू। आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमने देखा कि ऐसा कोई हमें स्केलर भी तो नहीं मिल रहा था जिसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए या फिर ये आ जाए। तो देखने से पता चल रहा था, पर इस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो समझ में आपको वाई जाना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों डिफिनेशन हमें क्लियर हो गई हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस इस तरीके से वेक्टर स्पेस में हम देख सकते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन का यही महत्व है कि हम इसकी मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन की इंडिपेंडेंस, वेक्टर्स की इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब समझ में आ गए तो अब चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, लीनियर स्पैन की बात करते हैं। लीनियर स्पैन क्या होता है? लीनियर स्पैन का मतलब, अब कोई नॉन एम्प्टी सेट उठाओ वेक्टर स्पेस का जो सबसेट हो हमारे पास। यहाँ पे वेक्टर स्पेस का सबसेट यानी कि वी का सबसेट, तो एस बेसिकली वी का सबसेट है, इज डिफाइंड एज। अब लीनियर स्पैन का मतलब क्या है? यानी कि इस एस से जनरेटेड सेट, जनरेटेड सेट साइक्लिक ग्रुप में हमने पढ़ा है ना, पहले हम एक एलिमेंट से जनरेटेड सुनते थे, अब एक सेट से जनरेटेड सेट, उसको हम लीनियर स्पैन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ हमारे सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स? s1, s2, s3। तो लीनियर स्पैन ऑफ s का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन तीनों के साथ स्केलर्स मल्टीप्लाई करते जाओ, α1 s1 + α2 s2 + α3 s3, और इन स्केलर्स की वैल्यू वैरी करते जाओ। कहाँ पर वैरी करनी है? फील्ड से उठाने एलिमेंट्स। और ये पूरा बन जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ एस, यानी कि इस तरीके से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस की वैल्यू आती जाएगी वो हमारे लीनियर स्पैन ऑफ एस में लाई करती जाएगी। तो लीनियर स्पैन क्या हो गया? इसमें वो लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगे जो कि उन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है जो एलिमेंट्स हमने खुद के खुद उस सेट से उठाए हैं और स्केलर्स हम फील्ड से उठा रहे हैं। इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको LS भी डिनोट कर देते हैं या फिर इस तरीके से भी डिनोट करते हैं,
जनरेटेड बाय एस, एंड इसमें वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं जो कि एस के एलिमेंट्स के ही लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मैं आपको एक वेक्टर दूँ 1, 0, 0, ठीक है, और मैंने आपको कह दिया कि वेक्टर कहाँ से आ रहा है. वैसे आपको पता लग भी रहा होगा कौन से वेक्टर स्पेस से आ रहा है, आर क्यूब ओवर आर से वेक्टर स्पेस है हमारे पास, इससे वेक्टर आ रहा है. अब मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे पास एक सेट है जिसमें सिर्फ ये वेक्टर है, और क्लियरली ये सबसेट तो है ही आर क्यूब का. ठीक है, तो वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हमने ले लिया, एस यहाँ पे नॉन एम्प्टी है. अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है स्पेस स्पैंड बाय दिस सबसेट. ठीक है, तो इसका लीनियर स्पैन बनाना है. इसका मतलब क्या है, आपको बेसिकली स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है इसके साथ, सच दैट स्केलर कहाँ से आ रहे हो, फील्ड से, फील्ड के हमारी रियल नंबर्स. इसका मतलब अल्फा 1 × 1, 0, 0 सच दैट अल्फा 1 कहाँ से आए, इसका मतलब अल्फा 1, 0, 0 सच दैट अल्फा 1 कहाँ से आ रहा हो, रियल नंबर से. यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पे सारे रियल नंबर्स रखते जाने और बाकी दोनों पे ज़ीरो रखना है. ठीक है, तो ये तो बनी गया, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स आते जाएंगे. तो ये कौन सा पार्ट बन गया इसके लिनियर स्पैन में, कौन कौन से वेक्टर्स आ गए इस टाइप के, 1, 0, 0, 2, 0, 0 सिर्फ इंटीजर्स ही तो नहीं, सारे रियल नंबर्स इसमें आ सकते हैं. तो ये भी होगा 1.1, 0, 0 एंड इस तरीके से सभी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे सभी रियल नंबर्स रखते जाओ और बाकी दोनों जो पोजीशंस हैं उसको आप क्या रखो, 0, 0 रखो. तब देखोगे इसमें अनकाउंटेबल इस टाइप के वेक्टर्स आ जाएंगे, पर इसके इसके लीनियर स्पैन से पूरा का पूरा आर क्यूब नहीं बनेगा. अब एस में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर क्या इसमें ये, तो क्या 1, 2, 3 इसके लीनियर स्पैन में आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें से वही एलिमेंट्स आएंगे जिनके सेकंड और थर्ड पोजीशन ज़ीरो है. पर इस एलिमेंट की तो थर्ड और सेकंड पोजीशन ज़ीरो नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा. पर ये एलिमेंट तो पक्का आर क्यू में बिलोंग करता है. तो हम देखेंगे कि ये लीनियर स्पैन में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आएंगे, पर ये पूरा का पूरा आर क्यूब नहीं बनने वाला है. तो लीनियर स्पैन समझ में आया, चलो एक और लीनियर स्पैन देखते हैं. तो अब देखो, अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस हो आर ओवर आर और हम सबसेट ले लें उसका, ठीक है, वेक्टर स्पेस का सबसेट ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी भी है. और कौन सा सबसेट लिया हमने जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, कौन से दो एलिमेंट्स, 1 और -1. अब इसका लीनियर स्पैन बनाने की कोशिश करते हैं. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, अल्फा 1 × 1 प्लस अल्फा 1 × -1 यानी कि अल्फा 2 यहाँ पे आ जाएगा, सच दैट अल्फा 1, अल्फा 2 दोनों क्या हुए, रियल नंबर्स हो. तो इसमें बेसिकली सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस आने वाला है दो रियल नंबर्स का. और दो रियल नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, एक रियल नंबर, तो कोई पक्का नया रियल नंबर आ रहा होगा. तो आप देखोगे बेसिकली सेट में सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाने वाले हैं, पक्की बात है, इसमें सभी के सभी रियल नंबर्स आ जाने वाले हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि अब की बार जो लीनियर स्पैन है वो पूरा का पूरा सेट ही बन गया. तो जब लीनियर स्पैन पूरा का पूरा सेट बन जाए तब लीनियर स्पैन खास बन जाता है. ठीक है, अब हमें सिर्फ लीनियर स्पैन ही नहीं चाहिए होता, हमें एक ऐसा लीनियर स्पैन भी चाहिए होते हैं जिसके वेक्टर्स आपस में क्या हों, लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर ऐसा हो जाए तो क्यों चाहिए हमें ऐसा, क्योंकि इसकी हेल्प से ये मूव कर पाएंगे अगली डेफिनेशन पे, जो है बेसिस की डेफिनेशन. तो बेसिस क्या होता है, अगर एक वेक्टर स्पेस की हम बात करें तो बेसिस वो होता है जो कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सेट हो, जो पहली बात तो जिसके लीनियर स्पैन में पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन जाए. यानी कि अगर मैंने एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया वेक्टर स्पेस का और उसके स्पैन से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन जाए, पहली बात. और दूसरी बात ये कि ए के सभी वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह देते हैं कि ए क्या बन गया हमारा, बेसिस बन गया वेक्टर स्पेस वी का. अभी हमने देखा इस केस में जो हमारे वाला एग्जांपल था, इसमें जो हमारे वेक्टर्स हैं, ये जो सबसेट एस है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर स्पैन तो कर रहा है, पर इसमें जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है. आपको दिख रहा होगा ना, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते. इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो कि स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने पे ना बने इस तरीके से. तो ये तो हमारे पास डिपेंडेंट टाइप के हैं. तो हमें एक ऐसा सेट ढूंढना होगा जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों और जो पूरा का पूरा सेट जनरेट कर दे. अगर हम इसी वेक्टर स्पेस की बात करें और अब की बार सबसेट नया ले लें, सबसेट हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट वाला 1. ठीक है,
अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसका स्पैन बनाते हैं। तो इसका स्पैन क्या होगा, अल्फा वन इंटू वन सच दैट अल्फा वन इज अ रियल नंबर। तो आप देखोगे इसमें क्या आ जाएंगे, सारे अल्फा वन बिलोंगिंग टू रियल नंबर, बेसिकली पूरा का पूरा रियल नंबर्स बन जाने वाले। तो हमारा पूरा वेक्टर स्पेस बन गया। और आप देखोगे इसमें एक ही एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है ना, इसको तो किसी से कंपेयर भी नहीं कर पा रहे हम। तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया और इसको स्पैन भी कर रहे हैं, तो हम कह देंगे अब की बार जो हमारा ए है इट इज़ अ बेसिस फॉर आर गिवन वेक्टर स्पेस। तो बेसिस समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा, अगर आपको ये इसका समझ में आ गया तो आप एक और बेसिस बना कर दिखाओ। मैं आपसे पूछूं कि आर क्यूब ओवर आर का क्या बेसिस होएगा, तो आप बता सकते हो मेरे को लगता है, क्योंकि हम इसकी आज बात कर चुके हैं। तो हमें तीन ऐसे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पता हैं जिनकी आज हमने बात करी है, 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1, जिसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा आर क्यूब जनरेट कर सकते हैं। यानी कि इसके लीनियर स्पैन में पूरा का पूरा आर क्यूब बन जाएगा। और साथ में इसके तीनों वेक्टर्स कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये हमारा क्या बन गया, बेसिस। देयरफॉर ए इज़ अ बेसिस फॉर आर वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो बेसिस का मतलब समझ में आ गया। अब बेसिस से ही हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है और वो है डायमेंशन की। तो बेसिस समझ में आ गया, तब देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन बेसिस से ही रिलेटेड होता है, और आप अभी आप देखोगे डेफिनेशन देखते आपको क्लिक करेगा कि कितना क्लोजली रिलेटेड होता है। तो अगर हम कोई भी बेसिस मिल जाए हमें वेक्टर स्पेस का, कोई भी बेसिस मिल जाए, इन एनी बेसिस, कोई भी बेसिस मिल जाए, उस बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, उस बेसिस की कार्डिनैलिटी क्या है, वो ही बन जाती है डायमेंशन वेक्टर स्पेस की, विच इज़ डिनोटेड एज डायमेंशन ऑफ वी एफ, माई वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। और वो क्या बन जाती है, कार्डिनैलिटी ऑफ आर बेसिस सेट, यानी कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे बेसिस में, अगर हम बी को बेसिस मान लें। ठीक है, तो आसान है। तो हमारे एग्जांपल में जब हमने कहा था आर क्यूब ओवर आर, इसका हमने एक बेसिस ढूंढा था। क्या बेसिस था जिसमें तीन एलिमेंट्स थे, कौन कौन से वेक्टर्स, 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। तो इस केस में हमारे बेसिस में तीन एलिमेंट्स थे, तो यानी कि डायमेंशन आर क्यूब ओवर आर की क्या बन गई, 3 बन गई। इसी से आप एक जनरल स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो कि अगर हम आर एन ओवर आर की बात करें इन जनरल, तो उसका जो बेसिस बनेगा वो इस टाइप का ही बनेगा, एन टपल्स आ जाएंगे उसमें, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 इस तरीके से, एंड सो ऑन, एन टपल्स होंगे पूरे के पूरे। लास्ट वाला कैसा दिखेगा, ऐसा 0, 0, 0, 1। और यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन होएगी वो क्या होएगी, क्या डायमेंशन होएगी, n। तो r क्यूब की 3 हो गई, r n की n होएगी, r 4 की बात करें तो 4 डायमेंशन होएगी, r स्क्वायर की 2 होएगी। ओवर r फील्ड भी याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, फील्ड चेंज होने से भी डायमेंशन चेंज हो सकती है। तो अभी हमने बात करी, जितनी भी हमने बात की हूँ सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, क्योंकि उनकी डायमेंशन फाइनाइट आ रही है। यही डायमेंशन इन्फिनाइट भी आ सकती है, ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं, इन्फिनाइट भी आ सकती है। तो अब इसके बारे में और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हमारा काम था लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर स्पेस का जनरेशन, बेसिस, डायमेंशन, इन सब टर्म्स को डाइजेस्ट करना, जो कि बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चंस में आपको ये टर्म्स नज़र आ जाएंगे। तो इन टर्म्स से अगर आप फेमिलियर हो गए, उनसे जान पहचान होगी, तो अगला काम जो होगा हमारा वो होगा इन टर्म्स को क्वेश्चन में देखना और वो वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो वो करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको हमने जितने भी वेक्टर स्पेसेस वेक्टर स्पेस वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, तो होमवर्क ज़रूर करना होता है, क्योंकि होमवर्क से ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो आपका होमवर्क क्या है कि जितने भी आपने वेक्टर स्पेसेस देखे थे एज एन एग्जांपल वेक्टर स्पेस वाली वीडियो में और वेक्टर सब स्पेस वाली वीडियो में, आपको उन सब का डायमेंशन और बेसिस निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, फाइंड द बेसिस, कोई भी फेमिलियर से वेक्टर स्पेस उठा दे लें, जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे वही भी आप उठा सकते हो, और फिर आपको क्या ढूंढना है, उनकी डायमेंशन और बेसिस। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन की। ठीक है, बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।